हेलो फ्रेंड्स, कॉकटेल जॉकी में आप सबका स्वागत है। कॉकटेल्स, वाइन, स्पिरिट्स के बारे में हर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कॉकटेल जॉकी और बेल आइकॉन प्रेस करके हर दिन पे कॉकटेल्स और स्पिरिट्स पर अपडेट। तो इंडिया में जब जब हमने शुरू किया तो हमारे को पता लगा कि एक्चुअली जिन का मार्केट जो है वो तो बहुत ही छोटा है, वो करीब 1% ऑफ द स्पिरिट्स मार्केट है। तो मतलब जबकि ज्यादा से ज्यादा लोग विस्की पीते हैं, रम पीते हैं, ब्रांडी पीते हैं, जिन तो एक बहुत ही छोटा सा उसका पार्ट है और हम उस जिन के भी बहुत ही छोटे पार्ट हैं। तो हम लोग जब बाहर जाते हैं, हम लोग जब लोग के पास लेके जाते हैं अपना जिन, तो हम उनको पहले टेस्ट कराते हैं। उनको टेस्ट से ज़्यादा और कुछ और कोई बढ़िया मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। हमारे को अपने उस फ्लेवर जिन के फ्लेवर के ऊपर बहुत ही विश्वास है। कॉकटेल्स बनाते हैं हम लोगों के लिए स्पेशली विद एन इंडियन फ्लेवर। तो हमने पान की कॉकटेल्स भी बना रखे हैं, हमने नींबू और जलजीरा के कॉकटेल्स भी बना रखे हैं। और हम लोग जैसे गोवा में जब हम लोग फेस्टिवल करते हैं तो एक आपने सुना होगा जिन एंड जूस करके बहुत ही फेमस कॉकटेल है। तो हमने उसको थोड़ा सा इंडियन ट्विस्ट दिया और हमने जो जूस यूज़ किया वो एक्चुअली हमने फ्रेश गन्ने का जूस यूज़ किया। तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि लोग का रिएक्शन रहता है कि अच्छा गन्ने के जूस के साथ जो हम लोग बचपन से पी रहे हैं उसके साथ हम जिन भी पी सकते हैं। तो ये अच्छा एक फ्यूजन रहता है कि आपका इंडियन कल्चर भी आ गया और आपका जनरली व्हाट इज कंसिडर्ड एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट कैटेगरी, तभी उसको IMFL कहलाया जाता है, इंडियन मेड फॉरन लिखा, उन दोनों का अच्छा सा बढ़िया सा मिक्स रहता है जिसकी वजह से हम लोग को थोड़ा जो पॉपुलैरिटी मिल रहा है, जो भी हल्का सा पॉपुलैरिटी मिल रहा है वो थोड़ा एनहेंस हो जाता है। जिन के बारे में और जानने के लिए देखते रहिए कॉकटेल जॉकी और पीते रहिए ग्रेटर देन जिन। चीयर्स।